काफी सारे लाइक स्टूडेंट्स जो है स्मॉल सिटीज से भी यहाँ पर, तो वहाँ पर भी जो है कुछ एजुकेशन को मिलता ही होगा क्या? इज देयर समथिंग दैट इज रियली फ्रूटफुल? मेरिट बेस्ड बच्चे आते हैं तो एवरीवन दैट कम्स अराउंड कम्स हियर फॉर अ रीजन. सबने एक बहुत ही अच्छा स्कोर वो किया लाया है, तो जो क्राउड दैट वी हैव यू वो सारे मेरिट के बच्चे. हाय एवरीवन, दिस इज कौशल शर्मा एंड आई वेलकम एवरीवन ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूटी वाला. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट नॉर्थ कैंपस DU. सो यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ है एंड वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है आगे जर्नी में करने वाले हैं इफ़ यू आर गोइंग टू हैव योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो सबसे पहले तो हम जानते हैं आप सभी से ही कि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली? Delhi University has always been buzzed and center of attraction all over India. Okay. And the exposure is the main thing with why I chose Delhi University. It's the opportunities we get. Hometowns, yeah, like jo hamare states rehte hain ya usually hometowns rehte hain, wahan we don't get the opportunities. Okay. And we don't even get to know about the things jo hame yahan aake pata chalte hain, the experience we got from internships, the lead internship societies. ओके. सो काफ़ी सारे लाइक स्टूडेंट्स जो है स्मॉल सिटीज से भी यहाँ पर DU में आते हैं एंड दिल्ली में और भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर भी जो है कुछ एजुकेशन को मिलता ही होगा इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल सिटीज़, तो कुछ बेटर होगा ही. बट एक जो है जो स्टूडेंट्स का क्रेज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, सो वो क्या सिर्फ एक हाइप ही बना हुआ है या इज देयर समथिंग दैट इज रियली फ्रूटफुल इफ यू आर पर्सुइंग योर ग्रेजुएशन और एनी कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? ओके, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली इज यहाँ पे मेरिट बेस्ड बच्चे आते हैं, तो एवरीवन दैट कम्स अराउंड कम्स हियर फॉर अ रीजन. सबने एक बहुत ही अच्छा स्कोर वो किया है लाया है, तो द क्राउड दैट वी हैव हियर वो सारे मेरिट के बच्चे हैं. Okay. तो उसके कारण जो एनवायरनमेंट है वो लाइक माइंडेड पीपल का बन जाता है, प्लस द नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट हियर. यहाँ पे रेगुलरली कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, रेगुलरली गेस्ट आते रहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े अमन गुप्ता हो गया, SRCC, यहाँ पे अश्नीर ग्रोवर आए थे, तो बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं. सो द पीपल वी नेटवर्क विद, जजेस आते रहते हैं एंड ऑल्सो द सोसाइटी कल्चर, इंटर्नशिप्स कल्चर, यहाँ पे एवरी वन इज रियली कंसर्न अबाउट द यू नो वट दे आर गोना डू इन फ्यूचर एंड एवरीथिंग, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो या सो जैसे कि इन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है एंड सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी जो है सेलेक्ट करना इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके अलावा कॉलेज में काफ़ी सारी लाइक चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है. सो व्हाट आर द थिंग्स जो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको अगर एडमिशन मिलता है, तो क्या क्या जो है कोई अगर जैसे कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताए, सो स्टूडेंट को क्या क्या जो है वो ज्वाइन करना चाहिए? सो मेरे ओपिनियन में स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उसका कोई भी रेजिशन कभी कर सकता है जब वो एटलीस्ट किसी सोसाइटी में या फिर इंटर्नशिप पर अपना ग्रोथ देखे, क्योंकि सोसाइटीज एक आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देती है, आपको रियल वर्ल्ड में कैसे काम चलता है, आपको कॉर्पोरेट में कैसे काम चलता है उसका पूरा एक्सपीरियंस देती है, आपकी नेटवर्किंग ग्रोथ आपकी होती है नेटवर्किंग की, और आपको जो एक्चुअल प्लेयर्स ऑफ द गेम है उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है, उनसे सीखने का आपको मौका मिलता है. ठीक है, इंटर्नशिप से आपको जो एक्चुअल ऑफिस एक्सपीरियंस होता है वो सीखने का मौका मिलता है वहाँ से आपको. सोसाइटीज जो कॉलेज सोसाइटीज जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने आप कॉलेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, अपने आप स्पॉन्सरशिप लेके आती है, अपने आप नेगोशिएट करती है, तो जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है वो अपना डेवलप हो जाती है, बीट द लीडरशिप स्किल, बीट द नेटवर्किंग स्किल, आपका नेगोशिएशन, आपका हर तरीके का जो भी आपका सॉफ्ट स्किल है वो सारा आपका डेवलप होता है फ्रॉम द कॉलेज सोसाइटीज. तो सबसे पहले जो है कॉलेज सोसाइटीज ज्वाइन करिए, उसके बाद आप इंटर्नशिप में भी अप्लाई करिए. इंटर्नशिप्स में आपको ऑफिस में आपको जो आपके गाइड्स होते हैं वो आपको अच्छे से आपको ट्रेन करते हैं, तो वहाँ से वेन यू ग्रेजुएट यू इवेंचुअली गेट टू नो कि आपको क्या ऑफिस में काम करना है, कैसे काम करना है. ओके, सो सिर्फ और सिर्फ कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो करना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एज वेल, एंड अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है सो यू गेट द चांसेस टू एनहांस योर स्किल्स एंड इंटर्नशिप से, सो जैसे कि आप बता ही रहे हैं दिस आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एनहांसमेंट ऑफ द स्किल्स. इसके अलावा और जो है सोशलाइजेशन में भी जो है ये किस तरीके से हेल्प करता है सोसाइटीज़ में वर्क करना? सोशलाइजेशन में
यही एक चीज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पेशल बनाते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत गोल्स लेके आते हैं, उनको सिर्फ ये नहीं होता कि वो बुकवर्म बनने वाले हैं, उनका मेन एम ये होता है कि हाँ यार हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाए कुछ करना है, हमें नई चीज़ें ट्राई करनी है, दैट्स व्हाट मेक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द सोसाइटी जुड़ी, क्योंकि सोसाइटीज आप कुछ भी कर सकते हो, आप एट द एंड बाहर भी खोल सकते हो, तो एट द एंड कॉलेज में क्या होता है हर एक के पास अपना टाइम होता है, वो अपने स्किल्स होते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा आ रहा है वो श्योरली अपने एकेडमिक स्किल्स के अलावा उसके पास हर एक इंसान के पास कोई ना कोई अपनी स्किल है जिसके साथ वो सोशलाइज करेगा और अपने लाइक माइंड इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट करेगा, और अगर मेरे पास कोई स्किल है मैं उसको ग्रो बेटर कर सकता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। सो इसके अलावा लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अभी डी यू में आने वाले हैं, CUET का जैसे भी जो है CSS पोर्टल एंड इन सब का भी जो है फेजेस डिफरेंट चल रहे हैं, तो क्या चीज़ें जो है आप स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना चाहिए चाहेंगे कि जो उनको फॉर श्योर करना चाहिए, व्हाट वुड बी द डूज एंड व्हाट वुड बी द डोंट्स, जो चीज़ें जो है स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए इफ़ दे आर स्टडी एनीवेयर। इंटरेक्ट एज मच एज पॉसिबल जितने डिपार्टमेंट्स, क्योंकि व्हेनेवर वी मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो हमको सबके अलग अलग एक्सपीरियंस एंड वी गेट टू मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको लाइक पता चलता है ह्यूमन ट्रेट्स या कैसे कैसे ह्यूमन बिहेवियर रहते हैं सबके बारे में, एंड जॉइन सोसाइटीज बिकॉज इट विल हेल्प यू ब्रशन अप योर स्किल्स फॉर श्योर। इवन दो इन माई फर्स्ट ईयर I was not in any of the society, when I joined it in second year, it actually helped me a lot. Okay. That's what I'm saying. Please join societies, don't only limit yourself to your course or your department people. When it comes to friends, like I got most of my friends from my societies only. Okay. And the people, because of the people, like they're like-minded. Sometimes we feel na, yeah, it happens ki department people are not the people jinke saath apan zyada baat kar paaye ya zyada interact kar paaye, but since we are joining a society, that we are joining it with a purpose.